नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता समीर कुमार की खबर कोढ़ा से। कोढ़ा अंचल अधिकारी मनोज वर्णवाल के द्वारा चलाया गया मास्क जांच अभियान। जिला पदाधिकारी कटिहार के आदेश अनुसार आते जाते लोगों से मास्क फाइन प्रत्येक व्यक्ति ₹50 वसूला गया है। जी हां, बताते चले कि अंचल अधिकारी के गार्ड ही मास्क नहीं लगाए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं बिहार स्टेट परिवहन निगम की बसों को भी रोका गया। ड्राइवर और कंडक्टर से फाइन वसूला गया है। जी हां, बताते चले कि वहीं आज प्रखंड मुख्यालय कोढ़ा में DDC के द्वारा बैठक भी की गई थी। उस बैठक में प्रखंड के सभी कर्मी भी भारी संख्या में मौजूद थे, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा था। सरेआम पदाधिकारियों के द्वारा सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जब वही जनता की बात आती है तो जनता से फाइन वसूला जाता है। यह दोहरा नीति के वजह से ही लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था से उठता हुआ दिख रहा है। चीज के लिए सर रोका जा रहा है? छोटा सा मास्क, मास्क के लिए। सर आपने मास्क नहीं लगाया, आपने मास्क के लिए रोक रहे हैं लोगों को? यस सर। क्या नाम हो सर आपका? ये करवा रहे।